अस्सलाम वालेकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूं मंसूर अली खान और मैं हूं राबिया अनम। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए मजीद वक्त मांग लिया। शर्जील मेमन कहते हैं बेहतर है कि इंतखाबात मार्च में हों। बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां, क्वेटा में उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। ढाई माह पहले क्वेटा से अगवा किए गए डॉक्टर मुनाफ बाजियाब, 5 करोड़ रुपए तावान देकर रिहाई मिली। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलोचिस्तान के सदर डॉक्टर सुल्तान तरीन का दावा। अफगानिस्तान में 2014 के बाद अमरीकी फौजी अड्डों का कयाम खित्ते के मुल्कों के लिए खतरनाक होगा। सखर में मौलाना फजल रहमान की बातचीत। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस में वकील सरकार बैरिस्टर अकरम शेख का कहना है कि मुशर्रफ को इमरजेंसी का मशवरा देने वाले शरीके जुर्म हैं, वक्त आने पर जवाब देना होगा। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन का सरकारी टीवी की इमारत और पुलिस स्पोर्ट्स क्लब पर कब्जा, वजीर आजम निकल भागने पर मजबूर हो गयी। और बॉलीवुड के मुमताज अदाकार नसीरुद्दीन शाह स्टेज ड्रामों में शिरकत के लिए वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। कहते हैं लाहौरियों का खाना अच्छा लगता है, दरख्वास्त है कि अच्छा खाना खिलाइएगा।